कारंजा तहसील के लगभग 50 से 60 गांवों के 3 से 4 हजार छात्र प्रतिदिन शिक्षा के लिए कारंजा आते हैं, लेकिन पिछले एक साल से कारंजा में तलेगांव आगार में एसटी बस की वजह से टूटी बसों के कारण छात्रों की जान खतरे में थी। कारंजा बस यात्रा के लिए दी गई स्क्रैप बसें बंद हो रही है। रात में बस स्टैंड पर बच्चे बैठे रहते हैं। इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तुरंत 30 अगस्त शुक्रवार को छात्रों से संवाद कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कारंजा तहसील के छात्रों और शिवसेना के तहसील प्रमुख संदीप भिसे के माध्यम से, महाराष्ट्र राज्य कलेक्टर वर्धा डिवीजन नियंत्रक एसटी निगम वर्धा को तहसीलदार के माध्यम से एक निवेदन दिया गया कि अगर अगले 12 तारीख तक तलेगांव डिपो को बस अच्छी स्थिति में नहीं मिलती है, 13 सितंबर को छात्रों और शिवसेना की ओर से नेशनल हाईवे नाराटी पॉइंट पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तलेगांव आगार को पत्र दिया है कि छात्रों को शिक्षा के लिए नई बसें मिले और विद्यार्थियों को कोई शैक्षणिक नुकसान ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तलेगांव आगार को 7 नई बसें दी गई है। घोषणा होते ही छात्रों ने शिवसेना के तहसील प्रमुख संदीप भिसे को भी धन्यवाद दिया और छात्रों में तुरंत खुशी का माहौल बन गया। पिछले एक साल से तलेगांव डिपो को स्क्रैप की आपूर्ति की जा रही थी और विधायकों को हिंगनघाट डिपो से नई गाड़ियां मिली। इस अवसर पर शिवसेना ठाकरे ग्रुप के जिला प्रमुख आशीष पांडे, प्रमुख संदीप भिसे, बेलगाम के सरपंच स्वप्निल खावशी, उपसरपंच राजीव गुलघन, वाल्मीकि ठाकरे, प्रवीण गावर, महेश खवशी, मेघराज खवशी, दिलीप चौधरी, ओंकार चोपड़े, धनराज बागा, ने अरविंद उपस्थित थे। चौधरी रोशन वांगल, बड़ी संख्या में शिवसैनी और सैकड़ों छात्र बस स्टेशन पर मौजूद हुए। आज 13/9/2024 ला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कारंजा, त्याचप्रमाणे कारंजा तालुक्यातील सर्व विद्यार्थी, पालकवर्ग, नागरिक यांनी आज यांच्या वतीने कारंजा नॅशनल हायवे चक्काजाम करण्याचं ठरवलं होतं। पण आपली जे नवीन 10 बसेसची जी मागणी होती ती आपली मागून आपण रेटून धरली, शासनाला पाट्याचा पाठपुरावा केला। शिवसेनेच्या वतीने मंत्रालय असो, डीसी साहेब असो, व्यवस्थापक आपलं प्रांतिक व्यवस्थापक असो, या सर्वांचे म्हणजे सर्वांना प्रत्येकासोबत चर्चा करून आणि प्रत्येकाला पत्र व्यवहार करून यांच्या आपल्या तळेगाव आगारासाठी 10 बसेस नवीन देण्यात याव्या अशी मागणी केली होती आणि आज त्याच्या मागणी पूर्तता करण्यासाठी आज आपल्या वर्धा जिल्ह्याचे विभाग नियंत्रण म्हणजे ज्याला डीसी साहेब म्हणतात ते आपले इथले पीआय साहेब नायब तहसीलदार साहेब यांनी तळेगाव आगारासाठी 10 बसेसची सुविधा न करता 7 बसेसची मागणी पूर्ण केलेली आहे आणि सर्वस्व याचं श्रेय विद्यार्थी, शिवसेनेचे सर्व शिवसैनिक पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे पोलीस डिपार्टमेंट, तहसील विभाग, काही आपल्या तळेगाव आगाराचे कर्मचारी यांचा खूप मोठा सहभाग लागला आणि या आंदोलनाच्या भूमिकेपासून शिवसेनेला आणि विद्यार्थ्यांना तिथपर्यंत पोहोचू दिलं नाही, त्याच्याच अगोदर शेतकरी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या, एवढं मी माझ्या याच्यातून सांगू। सेंट्रल प्रोविन्शियल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग अँड रेसिडेन्शियल स्कूल फॅसिलिटीज, लायब्ररी, लॅबोरेटरीज, कम्प्युटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्युझिक, वोकल अँड इन्स्ट्रुमेंटल, डान्स, क्लासिकल अँड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इनडोअर अँड आउटडोअर। सेंट्रल प्रोविन्शियल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, 38 वेडाहरे आउटर रिंग रोड, पोस्ट बेसा, नागपूर। अवर ब्रांचेस ॲट रामेश्वरी अँड वेडाहरी। कॉन्टॅक्ट नंबर 7276066999 and 7276055999। Central Provincial School and Junior College।